राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय सचिन पायलट जी, जोरदार तालियां प्लीज। पहले तो प्रताप सिंह जी, आपने हर विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा दे दिया, किशन कौल से भी जीतेंगे, हवा में से जीतेंगे, लेकिन सिविल लाइन्स के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। सिविल लाइन्स यार बताओ, 15-20-25 जितने जीता हुए बोलो। सबको आइए राज्य में कहना चाह रहा था, तो प्रताप सिंह ने सबके ग्लास ली यहाँ पे, हवा महल से इतना आएगा, किशन कौल से, अच्छा राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत साहब, AICC के प्रभारी रेख बंसल जी, हमारे मंत्रिपरिषद में साथी BD कल्ला साहब, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रघु शर्मा जी, सम्मान्य घनश्याम तिवारी साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंत्री प्रताप सिंह जी, महेश जोशी जी, अमीन कागजी साहब, लोकसभा की हमारी प्रत्याशी बहन ज्योति खंडेलवाल जी, धारीवाल साहब, अमीन कागजी जी, रफीन खान साहब, गंगा देवी जी, रोहित बोरा साहब, पूर्व सांसद अश्कली टाक साहब, विष्णु लाटा जी, हमारी स्पोक्स पर्सन अर्चना शर्मा जी, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर साहब, GR खटाना जी, राधाराम मील साहब, पूर्व मंत्री पिचकिशोर शर्मा जी, सीताराम अग्रवाल साहब, पुष्पेंद्र जी, विजय गर्ग साहब, सुरेश मिश्रा जी, तिवारी साहब, अयूब खान साहब, रमा जी, मंच पे सभी कांग्रेस के नेतागण, पार्षद, पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, आज ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर अपना नामांकन भरेंगी, और मुझे खुशी है कि आज हम सबके साथ मिलकर इस सभा को हम लोग आज यहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पूरी स्थिति आपको समझाई, मैं सिर्फ 2-3 बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चुनाव बहुत से होते हैं, पार्षद के, विधानसभा के, अलग अलग चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में, ये चुनाव राष्ट्र के चुनाव है। 5 साल से BJP की सरकार दिल्ली में है, इन 5 सालों में जो उन्होंने कहा और कितना किया इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वादे करना, भाषण देना, जुमले देना, अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली, सड़क, पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं यार ये सब राष्ट्र विरोधी है, भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना, ये गलत परिपाटी केंद्र की सरकार चला रही है, और दमन की राजनीति पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान में हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर शहर के लोगों को कि बहुत लंबे अरसे के बाद आपने हमारी 8 में से 5 सीटें जिताई हैं, और इसी कारण हम सब आश्वासित है कि ज्योति जी, जिनको पहले आपने सीधे चुनाव में मेयर बनाया, बहुत बड़ी उपलब्धि शहर की थी, महिला ताकत की थी और ज्योति जी की थी, आज समय आया है कि हम सब ने मिलकर इनको अपना उम्मीदवार बनाया है, राहुल जी ने, जयपुर शहर के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अहम है कि मतदान के दिन एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। पूरे प्रदेश में और देश में एक बदलाव की लहर है, जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भाजपा सरकार ने जानबूझकर एक एक कर कमजोर करने का काम किया है। ये चुनाव सिर्फ ज्योति खंडेलवाल दिल्ली में सांसद बनकर चली जाए इस बात का नहीं है, ये चुनाव इस गणतंत्र की, इस लोकतंत्र की मूल भावना को, मूल आत्मा को जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरोध में खड़े होकर सामने आने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम जो विपक्ष के दल हैं इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। राहुल जी ने वादा किया है देश के लोगों से कि इस भारतवर्ष में सबसे गरीब जो 20% परिवार है उन सभी परिवार वालों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे, उस परिवार की महिला के खाते में पैसा जमा होगा, और ये जुमला नहीं, ये वो काम है जो सोनिया जी ने किया था, रोजगार का कानून बनाया था नरेगा के माध्यम से। 5 साल मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे, खूब भला बुरा कहा नरेगा की योजना को, खूब कोसा, लेकिन राजनीतिक हिम्मत नहीं जुटा सके कि नरेगा के कानून को बंद कर दें। और मुझे बताते हुए खुशी है भाजपा की सरकार में जब नरेगा को जानबूझकर नेगलेक्ट किया गया, 17 दिसंबर 2018 को सिर्फ 9 लाख लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे। मुझे गर्व है प्रदेश की जनता पर, हमारी नई सरकार पर, कि आज वो संख्या 30 लाख के आसपास पहुंच गई है जो सिर्फ 9 लाख थी। ग्रामीण क्षेत्र में काम मिलेगा लोगों को, परिवार के हाथ में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था को आगे मजबूती मिलती है। 72,000 रुपए प्रति वर्ष
हर खाते में जमा होंगे, सबसे गरीब 20% जो परिवार है इस देश के, ये सोच है गरीबी पे वार 72,000। ये नारा लेकर, न्याय की योजना लेकर राहुल गांधी जी हमारे सामने आए हैं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मिशन 25 को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आपने आशीर्वाद दिया, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारी जो जीत चुनाव में हुई है वो हम मंच में बैठे लोगों की वजह से नहीं, आप सब लोगों ने जो दिन दहाड़े मेहनत करी है, 5 साल तक सड़कों पे धरने दिए, घेराव किया, रैलियां निकाली, अनशन किया और सरकार को आईना दिखाया, जनता का विश्वास जीता, आज एक बार फिर वो चुनौती हमारे सामने है और आपके भरोसे पर हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने 3 महीने में जो कहा सो करके दिखाया, आज कोई उदाहरण नहीं है ऐसा कि इतने कम समय में सरकार के प्रारंभ में सभी वादों को पूरा करने का काम कोई सरकार करे। हमने काम भी किया है, पूरे देश में आज बदलाव है। मैं एक दो दिन का दौरा कर आया था महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, ये बात आपको मैं सुनिश्चित कर जाता हूं। और हर जगह अखबार में कुछ मर्जी छपे, प्रोपेगेंडा हो सोशल मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन में, लेकिन मनी मन लोग जानते हैं कि ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारी का है। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए हो गया, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाजपा के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह साहब, खुद प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें बोलते हैं जो भावनाओं को छुए और भावना को भड़काकर वोट लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये देश बहुत संवेदनशील है, हमारे मतदाता बहुत समझदार है और आने वाले भविष्य को देखते हुए सभी लोग हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस को जिताएं। ज्योति खंडेलवाल जी को जिताकर संसद में भेजो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जयपुर शहर के विकास में हमारी राज्य की सरकार और जब 23 मई के बाद केंद्र बनेगी तो दोनों सरकारें मिलकर वो सारे काम करेंगे जो आज तक नहीं हुए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपसे आग्रह करते हुए कि कांग्रेस की हमारी बहन ज्योति जी को जिताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।